वेलकम बैक फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज की वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाली है क्योंकि ऐसी वीडियो अभी तक हमने हमारे चैनल के ऊपर नहीं पोस्ट की है। ये वीडियो एक्चुअली अलग क्या है, इसमें ये वीडियो एक टेक टॉक सेगमेंट है, यानी कि जो भी पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी कंटेंट क्रिएटर, यानी कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या टिकटॉक के ऊपर जिसने भी पॉपुलरिटी गेन की है, उन सभी का यहाँ पर जो है हम टेक इंटरव्यूज लेंगे। टेक इंटरव्यू का क्या मतलब है? टेक इंटरव्यू का मतलब ये है कि हम उनसे और चीज़ें नहीं पूछेंगे, जैसे कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी, क्या ये वो सब नहीं। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू होगा, यानी कि वो उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आए, कैसे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, किस किस तरह के टूल्स वो यूज़ करते हैं लाइक SEO के लिए या गेन या पॉपुलैरिटी के लिए, कौन कौन से गैजेट्स वो यूज़ करते हैं लाइक कैमरा है, माइक वगैरह है, कौन से सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर पूछने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं जो है इन्वाइट करने वाला हूँ प्रदीप चौधरी। उनका यूट्यूब के ऊपर चैनल है देसी स्टार नाम से, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उनकी अमेजिंग कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं प्रदीप चौधरी का। हेलो पीके, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक हाउस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन एक बार दीजिए कि आप है क्या और क्या करते हैं। ओके, तो मतलब आपका ये मेन प्रोफेशन यूट्यूब ना होके लाइक यूट्यूब सिर्फ आपकी एज ए हॉबी है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जब आपने लाइक यूट्यूब स्टार्ट किया तो ये आइडियाज़ आया कैसे कि कॉमेडी ही बनाना है मुझे, और कॉमेडी के अंदर भी रीजनल कॉमेडी यानी हरियाणवी जो कॉमेडी है वो जो तड़का आप लेके आए, तो वो दिमाग में कैसे आया? देखिए, मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मतलब ऐसे मुँह से डायलॉग्स वगैरह निकलना, लोग थोड़ा सा हंसते थे, तो मैंने देखा कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे इतना तो पता था कि मैं कॉमेडी में ठीक। दूसरा, फिर अब मदर टंग पे मेरी पकड़ अच्छी है, गांव से स्टार्टिंग से मैंने हरियाणवी बोली है, तो मतलब मैं हरियाणवी में हंसा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉमेडी वीडियो बनाया जाए और हरियाणवी में ही बनाए। जो हमारा अगला सवाल है, क्योंकि कोई भी मान लो कॉमेडी चैनल इस तरह का बनाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि कंटेंट कहाँ से लेके आया जाए, कंटेंट का जो इंस्पिरेशन है या कहाँ से ये स्टोरीज मिलती हैं, लाइक आपने जैसे जो बनाते हो कि लिल्लू की ससुराल और भी कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए, कंटेंट का तो ऐसे होता है, मेरे केस में बता रहा हूँ, पहले कोई भी टॉपिक सोच लो, उसके बाद अपने आप को टाइम दो, या तो कुछ भी आंखें बंद करके या थोड़ा सा एक दो घंटा दो और ऐसे डायलॉग्स वगैरह सोचो, एक सिचुएशन क्रिएट करो माइंड के अंदर कि आप इधर खड़े हो, चार कैरेक्टर इधर खड़े हैं, तो वो उस पर ये डायलॉग मारेगा तो हंसी आएगी, ये नहीं आएगी, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा इमेजिन करनी होती है, तो सारा इमेजिनेशन का खेल है। ओके, तो लाइक मैं एक्चुअली अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं देसी स्टार जो चैनल है उसको काफ़ी टाइम से लाइक जो फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं जैसे सीन्स वगैरह देखता हूँ कि लाइक जितने भी करेक्टर्स हैं, चाहे वो लेडीज़ का करेक्टर हो, किसी बच्चे का हो, किसी ताऊ का, बूढ़े का, सारे जो करेक्टर हैं लाइक वो लाइक आप ही निभाते हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर सबसे जो एक मेन चीज़ वो रहती है कि कोई भी जैसे बंदा आपकी वीडियो देख रहा है तो उसके दिमाग में ये आता है कि कितने टाइप के गजट्स आप यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वीडियो शूट होती हैं। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कौन कौन से गजट्स आप वीडियो मेकिंग के दौरान यूज़ करते हो, जिससे जो कोई जैसे हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको आइडिया आ सके कि किन किन तरह के गजट्स का यूज़ होता है कॉमेडी वीडियोज़ बनाने के लिए। देखिए, स्टार्टिंग में तो मेरी 70-80% वीडियोज उसमें फ़ोन से ही बनाता, तो ऐसे हाथ में फ़ोन लेके, तो पहले क्या होता है कि जैसे स्टोरी लिख दी, अब उसमें जितना कोई भी एक करेक्टर है, जैसे लिल्लू लगा दो, तो लिल्लू के सारे वीडियोस एक बार में शूट हो जाएंगे, जितने डायलॉग्स हैं आपके सामने नोटबुक रख के उसमें से पढ़ पढ़ के आप सारे डायलॉग शूट करो, फिर दूसरे करेक्टर में आ जाओ, कुछ भी चेंज कर लो, उसके साथ सूखा सपोज करो तो उसमें आ जाओ, फिर उसके सारे डायलॉग्स बोल दो,
तो ऐसे होता है कि हर कैरेक्टर के वीडियो वीडियो आप एक साथ शूट कर लो, फिर तो उसको जब आप एडिट करते हो तो उनको जिस फोल्डर में आपने स्टोरी लिख रखी उस फोल्डर में उनको मर्ज कर दो। यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो व्यूअर है आप वो ये ले सकते हैं कि कभी भी अगर आपको मान लो अपना एक चैनल स्टार्ट करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड गजट्स की जरूरत पड़ेगी कि DSLR लेना है, ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है कि आज मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो आप अपना जो बेसिक कोई भी एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है जिसके अंदर बेसिक कैमरा है उससे भी आप अपना YouTube चैनल खुद का एक स्टार्ट कर सकते हो जी। तो इसी क्वेश्चन से ये निकल के आता है कि लाइक जैसे वीडियो कंप्लीट होगी तो पोस्ट प्रोडक्शन में लाइक कौन कौन से टूल का यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो की जो थंबनेल वगैरह बनाने के लिए, तो वो हमारे व्यूअर्स को एक बार आप बताएं। मैं यूज करता हूँ वंडर से फिल्मोरा, और अभी फिल्मोरा में सब कुछ है, वो खुद ही नॉइस वगैरह निकाल देता है, तो और किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑल इन वन हो जाता है फिल्मोरा से, सब कुछ होता है। ओके सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाइक यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, तो आप अपना ये शेयर करें कि लाइक कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर जिनको आप पर्सनली फॉलो करते हैं या आपका उनकी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। फर्स्ट बनी वाले हैं जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, और एक राउंड टू हेल्प करके चैनल है, तो उनके मैं एक्चुअल नाम तो नहीं जानता, वो टीम है बहुत बहुत अच्छे, मतलब उनका कंटेंट होता है, उनकी जो एक्टिंग होती है, तो इन दोनों को मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, जिनके वीडियोज में कितने भी लंबे हो थोड़े बोरिंग भी हो तो भी मतलब मैं देख सकता हूँ, तो इनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। ओके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज के टाइम में जहाँ पे लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यूट्यूब के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए कंटेंट क्रिएटर हर रोज़ आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई आज अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहे तो क्या वो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करे या कंपटीशन को देख के ना करे, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए पहले अगर यूट्यूब की पॉलिसीज थोड़ी सी रिलैक्स थी, कम लिमिट्स कम थी, तो पहले व्यूअर्स भी कम होते, बट आज के टाइम आप देखो कि हर किसी के पास फोन है, लॉकडाउन वगैरह चलते हैं, सब घर बैठे बैठे देखते हैं, तो वो चांसेस भी ज्यादा है कि आपके व्यूज ज्यादा है, अगर आप अच्छी चीज क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो, इस चीज आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो का हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन वो है कि जब आपने यूट्यूब के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की और अभी तक, तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपने जो है फेस किए यूट्यूब के ऊपर? तो चैलेंजेस अगर मैं बात करूँ तो मैं तो साउंड के हिसाब से काफ़ी चैलेंजेस मिले हैं, क्योंकि मैं जो फ़ोन का माइक यूज़ करता था तो उसके इसमें थोड़ी नॉइस भी आती है, अब नॉइस अगर हम रिड्यूस करेंगे ऑडेसिटी या किसी अलग और सॉफ्टवेयर से तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो चली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके चलनी होती है कि आपकी क्वालिटी भी ज़्यादा ना जाए और नॉइस भी थोड़ी ठीक ठाक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें प्लीज़ बताइए, साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस पॉपुलर इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर को जो है हम उसका इंटरव्यू जो है ले सकते हैं, तो हम जो है वहाँ उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को अपने चैनल के ऊपर लेके आ पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।